सॉफ्टवेयर डन। चलिए आज हम लोग फिर से चेक करते हैं क्या बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो जब देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके, जब देखिए बॉन्ड ऑर्डर को कंसीडर करना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो जब देखो कैसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, देश पीओ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा लुइस ने एक्सप्रेस किया था। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके, इट्स सो बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जो बिटवीन एटम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गए वही रिप्रेजेंट करेंगे किसको, बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, ओके, एग्जांपल में ये लिखा है दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का लुइस स्ट्रक्चर बनाइए, तो कुछ ऐसा दिखता है, दिस 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 ऐसा दिखता है। ठीक है, अब बिटवीन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड को देखिए, तो बिटवीन मॉलिक्यूल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, वन और वन टू, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बीओ, बीओ कितना हो जाएगा दिस टू। ठीक है, एज अ सेम एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है एन टू। ठीक है, ओके, एन टू, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम, तो इस नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो कुछ ऐसा बनता है ट्रिपल बॉन्ड डेस एंड डेस। ठीक है, तो ये हमारा लुइस स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, नाइट्रोजन का। अब बिटवीन एटम देखिए नाइट्रोजन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, देखो कितने बन रहे हैं, वन टू थ्री, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बीओ, बीओ कितना हो जाएगा डेस थ्री। ठीक है, ओके, जितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वही रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड H बनेगा। ठीक है, ओके, बिटवीन एटम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर कितने हो रहे हैं, वन,